दोस्तों, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हो, 2 दिन पहले ये न्यूज़ आई है कि चाइना का फरवरी का गोल्ड इंपोर्ट 3 गुना हो चुका है। दोस्तों, ये गोल्ड की कीमतों के लिए एक बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ है लॉन्ग टर्म के अंदर, क्योंकि जैसे कि हम आपको लगातार बताते आ रहे हैं, चाइना गोल्ड के अंदर लगातार खरीदारी कर रहा है। उसी तरह से आप वीडियो के अंदर ये भी क्लियरली देख सकते हो कि चाइना ने यूएई के साथ उनका पहला युआन के अंदर ट्रेड सेटल कर लिया है। युआन चाइना की करेंसी है, और जैसे कि आपको पता है कि इंटरनेशनल मार्केट में अगर किसी को यूएई से ऑयल या फिर गैस खरीदना होता है तो उसका सेटलमेंट सिर्फ डॉलर के अंदर होता है। और आप देख सकते हो, चाइना ने ये ट्रेड को उनकी खुद की करेंसी के अंदर सेटल किया है, जो कि डायरेक्टली डॉलर इंडेक्स के लिए निगेटिव है। दोस्तों, ये न्यूज़ फंडामेंटली निगेटिव है, तो आने वाले समय में इसका असर ज़्यादा रहेगा। तीसरी पॉजिटिव न्यूज़ जो हमें गोल्ड के लिए दिख रही है वो ये है कि मार्च 2023 में गोल्ड ETFs के अंदर खरीदारी हो रही है। दोस्तों, आप बोलोगे इसमें पॉजिटिव क्या है? अगर आप हमारे चैनल के रेगुलर व्यूअर हो तो आपको पता होगा, हमने हमारे वीडियो से आपको क्लियरली दिखाया है कि फरवरी 2023 में भी गोल्ड ETFs के अंदर बिकवाली हुई है, जो कि लगातार 9वें महीने की बिकवाली थी। और आप देख सकते हो, ये 9 महीने की कंटिन्यूअस बिकवाली के बाद ये पहली बार मार्च 2023 में गोल्ड ETFs के अंदर खरीदारी दिख रही है। जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हो, नॉर्थ अमेरिका से गोल्ड ETFs के अंदर 9.6 टन गोल्ड की खरीदारी की गई है। यूरोप से 20.1 टन गोल्ड की खरीदारी हो चुकी है। एशिया के अंदर 3.5 टन गोल्ड की खरीदारी हुई है, और दूसरे कंट्रीज से 0.1 टन गोल्ड की खरीदारी हुई है। यानी कि मार्च 2023 में अब तक 33.3 टन गोल्ड की खरीदारी गोल्ड ETFs के अंदर हो चुकी है। गोल्ड के ETFs के अंदर, जहाँ पर गोल्ड के अंदर खरीदारी की जा रही है, वो समय पे आप देख सकते हो, गोल्ड एक साइडवेज कंसोलिडेशन कर रहा है, जो हमें लगता है गोल्ड की अगली तेजी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हम आपको हमारे वीडियो से ये लगातार बताते आ रहे थे कि गोल्ड के अंदर पिछले 3 हफ्तों में एक बहुत ही अच्छी तेजी बन चुकी है, और गोल्ड अभी यहाँ से कंसोलिडेशन करना चाहिए, और गोल्ड वही इंटरनेशनल मार्केट में कंसोलिडेशन कर रहा है, जो कि गोल्ड के लिए बहुत ही अच्छा है। इंटरनेशनल मार्केट में जहाँ पर गोल्ड 0.10% नीचे है, आप देख सकते हो इंटरनेशनल मार्केट में सिल्वर 0.30% ऊपर है। हम आपको हमारे वीडियो से लगातार बताते आए हैं कि आने वाले दिनों में सिल्वर गोल्ड को आउट परफॉर्म कर सकता है, यानी कि सिल्वर गोल्ड से अच्छा प्रदर्शन कर सकता है। आप देख सकते हो, इंटरनेशनल मार्केट में जहाँ पर गोल्ड नीचे है, सिल्वर के अंदर आज भी तेजी है, और हमने इसके लिए आपको कारण बताया था, गोल्ड सिल्वर रेशो जो लगातार नीचे जा रहा है। महत्वपूर्ण बात यह है कि आज इंटरनेशनल मार्केट में डॉलर इंडेक्स में तेजी है, उसके बावजूद भी आप देख सकते हो सिल्वर ऊपर है। इंडिया के अंदर हमने आपको गोल्ड के बारे में क्लियरली बताया था कि इंटरनेशनल मार्केट की तरह ही इंडिया के अंदर गोल्ड एक रेक्टेंगल पैटर्न में कंसोलिडेट कर रहा है, और यह रेक्टेंगल पैटर्न के नीचे की ट्रेंड लाइन के पास अभी वो काम कर रहा है। आप देख सकते हो, वहाँ से थोड़ी तेजी गोल्ड के अंदर इंडिया में बनी है। सिल्वर के लिए हमने आपको क्लियरली बताया है कि सिल्वर अगर आने वाले दिनों में 71,480 के लेवल को ऊपरी तरफ तोड़ता है तो 73,000 से 74,000 तक तेजी बढ़ सकती है। लेकिन हमने आपको ये भी क्लियरली बताया है कि यहाँ पर सिल्वर के अंदर बहुत ही सावधानी से काम करना ज़रूरी है, क्योंकि सिल्वर अभी बहुत ही महत्वपूर्ण रेजिस्टेंस के पास आ चुका है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, हमें कमेंट द्वारा ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को अपने दोस्तों और पहचान वालों के साथ शेयर करना ना भूलें, ताकि ये जानकारी आपके साथ उनको भी पता चल सके। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।